मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार में उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया है कि राजवर्धन सिंह रेपिस्ट हैं और महिलाओं के साथ अभद्र तरीके से पेश आते हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये जो मामला है ये मध्य प्रदेश के धार जिले का है। धार जिले में एक होटल में एंट्री के वक्त तब बवाल मचा जब महिला ने स्टाफ से ये बोलना शुरू किया कि राजवर्धन सिंह जो है वो तो मेरे अंडर में है, मेरे पैर पूजते हैं और वो क्या बोलेंगे, वो तो रेपिस्ट आदमी है। दरअसल स्टाफ होटल में एंट्री की बात कर रहा था, अपने रजिस्टर में एंट्री करने को महिला को कह रहा था, लेकिन महिला एंट्री करने को तैयार नहीं थी और स्टाफ से बकझक पर तुल गई। स्टाफ भी लगातार राजवर्धन सिंह की तारीफ कर रहा था और महिला को कुछ भी ऐसा अभद्र बोलने से मना कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से महिला ने अपने फ़ोन में कुछ दिखाया उस स्टाफ को, जिसके बाद स्टाफ भी शांत हो गया। बताया जा रहा है कि महिला पेशे से पत्रकार है और इतनी आक्रोशित जितनी वो दिखी है इस वीडियो में, उसके बाद जो वीडियो आया है उसमें महिला का जो रुबाब है वो बिल्कुल बदल गया है। पहले आपको पहली वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई है, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत भी पूरी तरह से उठापटक हो रही है। Take the count of the meet. Take the count of the hotel also and the registering card. See. Where are my shoes? उस समय करा था तो लफड़े नहीं होते हैं, आते समय नहीं, तुझे बात ही नहीं आती है। राजवर्धन का है अभी? मेरे को क्या मालूम है यार। आइए उसको बर्बाद करने हैं, उसके लगता है कि लीजिए ना। आपका होटल है? निम्का किसका होटल? मेरा। तो आप इस टाइम आईडी नहीं पूछ सकते सर? मांगी मैडम आपने देखा उसने? इतनी बार बोला ओनर को भेजिए। नहीं ओनर को भेजिए तो उसका कोई ओनर थोड़ा कर्मचारी रहते हैं ना मैडम, ओनर का क्या काम? ओनर को भेजना चाहिए। नहीं ओनर को तो मेरा टेम्परेचर जानकारी दे कर रहे हो? पता है कौन है आप? जानकारी कहां दे रहे हो? मंत्री महोदय से तो बहुत नीचे हैं। मंत्री महोदय ना पैर छू लेंगे। किसके? पूछ लीजिएगा मंत्री महोदय से। तो आप जानते हो वो तो अरे चलिए ना खाते चलिए, सारे पता चल जाएगा। मंत्री मेरे पैर छू देंगे अभी? अरे मैडम भाई साहब का पता है कौन है वो? एक हमारे हमारे यहाँ के राजा साहब है वो, राजा घंटा। आप लोगों की वजह से वो जीतता है। हाँ तो वो है हमारे राजा साहब, बंदा में दिन का मसल राजा साहब हमारे। हाँ इसीलिए तो आई हूँ, अब मैं यहीं रहूंगी, दिखाऊंगी राजा साहब को। नहीं तो अभी कैसे बात कर रहे हैं आप? कैसे बात नहीं तो अभी राजा साहब ने पैर छुएगा। ये रिकॉर्डिंग चलाओ। हाँ चलाओ, बिल्कुल चलाओ। और इसलिए नहीं, मैं तो चाहती हूँ चलाओ, मैं तो इसीलिए आई भी हूँ। नहीं तो आप हमारे राजा साहब का हमारा वैसे मतलब हम बदनाम क्षेत्र के मंत्री साहब लोगों ने वोट दिया हमको। इस वीडियो के सामने आने के बाद महिला का एक और बयान सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार वायरल हुआ है, जिसमें महिला ये कहती नजर आ रही है कि उसका इस वीडियो से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसे गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है और साथ ही जो लोग उसे वायरल करने का काम कर रहे हैं उसके ऊपर वो केस करेगी। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो मिला है जो कि मेरे नाम पे फैलाया जा रहा है। यह वीडियो बिल्कुल गलत है। इस वीडियो का मुझसे और राजवर्धन सिंह दत्ती गांव जी से कोई लेना देना नहीं है। वह एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं और मैं उनका बहुत ही सम्मान करती हूँ। इस वीडियो से मेरे और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँच रही है और वो लोग जो लोग इसे फैला रहे हैं मैं उन पर कानूनी कार्रवाई करूँगी। इन दोनों वीडियो को देखा जाए तो इन दोनों वीडियो में महिला की जो बोली चाली है वो बिल्कुल ही बदल गई है, महिला का टोन ही चेंज हो गया है। ऐसा लग रहा है कि पहले वाले में महिला कोई और है और दूसरे वीडियो में महिला कोई और है। महिला इतनी शालीनता के साथ दूसरे वीडियो में खुद को साफ सुथरी बताने की कोशिश कर रही है, मानो जैसे उसने पहले कुछ बोला ही नहीं है और लोग उसे जबरन फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की भी बात महिला के द्वारा की जा रही है, जिसमें कि
जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें खुद महिला हंगामा मचाती नजर आ रही है और साथ ही एक मंत्री को रेपिस्ट बताती नजर आ रही है। ये बताती नजर आ रही है कि वो मंत्री तो उस महिला के चरणों पर ही गिरा रहता है। इन दोनों वीडियो के वायरल होने के बाद फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति जो है वो तो उठा पटक हो ही रही है। लोग इन दोनों वीडियो पे अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देते भी नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां कुछ लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि महिला का बयान सरकार के प्रेशर में आकर बदला है, धमकियों के बाद बदला है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि महिला ही गलत है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ में चैनल न्यूज़ ब्रेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।